सतश्रीकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हो हमारा गेटअप, अभी हम तैयार हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं। आपने सही पहचाना, हम ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो अभी हम जलंधर से जा रहे हैं मैक्लोडगंज, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये देखो जी हमारी बाइक, और बाइक भी तैयार हो गई है। अंशु देखो मास्क, और मेरा ये मास्क है। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं, और बने रहे वीडियो के साथ, आपको पूरा ट्रैवल दिखाएंगे यहाँ से मैक्लोडगंज का। ओके दीदी, बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। ठीक है, ब्रेक वगैरह सेट है ना? हाँ चलो ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हो हम लोग तैयार हो गए हैं। और देखो जी मेरा गेटअप, भाई यही बचाएगा, जो धूल मिट्टी होगी ना तो उसी से ये बचाएगा। तो बाइक हमारी रेडी है, चलो चलते हैं। दीदी वहाँ पे खड़ी है, उनसे का फोन है, चलो निकलते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं। ये है हमारी बाइक। देखिए जी आदमपुर क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ का हाल भाई साहब, रोड देखो जी कितने ज़्यादा टूटे फूटे हैं, और लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। भाई यहाँ पे तो यार एक साइड का रोड बना है और इस साइड का नहीं बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और पीछे इसी के चलते ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आप देख सकते हो। और इधर देखो जी गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं होशियारपुर, और ये देख सकते हो बैक साइड होशियारपुर, और बहुत मज़ा आ रहा है। और ट्रैवलिंग हमारी चल रही है, आप देख सकते हैं होशियारपुर का रोड, लगभग हम पहुंच गए हैं होशियारपुर। अब इसके बाद का जो व्यू आएगा वो बहुत ही लाजवाब होगा, क्योंकि वो होने वाला है हिमाचल का व्यू। चलो चलते हैं और आपको इंजॉय करवाते हैं, और थोड़ा बहुत आपको व्यू होशियारपुर का भी दिखाते हैं। अभी हमने पेट्रोल पंप से तेल डलवा लिया, और अभी हम आगे की तरफ, अब हिमाचल की तरफ जा रहे हैं। तेल यहाँ से डलवाया हमने, अब आगे चलते हैं। अभी आने वाली पहाड़ियाँ, तो अब आने वाला है मज़ा, और आपको मिलेंगे अभी व्यू। तो बने रहे वीडियो के साथ और चलते हैं मैक्लोडगंज। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं हिमाचल एंट्री पे, और चोबाल डैम यहां से स्टार्ट हो गई है। तो ये देखो, आप देख सकते हो यहां से ये थोड़ी डैम की स्टार्टिंग है, और हिमाचल एंट्री हो गई है हमारी। अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ, अब हिमाचल ऑफिशियली बोला जाए तो अभी हम चलेंगे ऊपर की तरफ, और चिंतपूर्णी माता के रास्ते होते होते हम जाएंगे मैक्लोडगंज। तो मज़ा आने वाला है, और ये व्यू मैं कैसे आपको छोड़ सकता था दिखाए बगैर। तो ये देखो जी लोग यहाँ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो गया है। चलो आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं आगे, और नज़ारे दिखाते हैं हिमाचल के। चलो बने रहे वीडियो के साथ। तो गाइज, हम अभी रास्ते में कहीं हैं, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और व्यू यहाँ से तो बहुत ही लाजवाब है। ये देखो जी बॉम्बे पिकनिक स्पॉट, होटल, एसी रूम्स, लंच, डिनर, ये देखो जी यहाँ से व्यू वगैरह, और यहाँ से बहुत ही मतलब खाई पहाड़ वगैरह भी हैं। तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है, और जंगल वाले एरिया में अभी रुके हैं। अंशु का फ़ोन आ गया था, तो अभी हम लोग चिंतपूर्णी से पीछे हैं, और जैसे जैसे ऊपर चलते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू, मज़ा आने वाला है। और बने रहो वीडियो के साथ यार, आपको दिखाते हैं मैक्लोडगंज का पूरा व्यू। गाइस यहाँ से पंजाब का बॉर्डर खत्म होता है, और स्टार्ट होता है। तो ये देखो था, ये आरटीओ था हिमाचल और पंजाब का। गाइस ये वाला जो गेट आप देख रहे हो, ये है चिंतपूर्णी माता का गेट। तो आप देख सकते हो हम लोग पहुंच गए हिमाचल में, और चिंतपूर्णी माता के पास। तो भाई साहब यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, तो थोड़ा रेस्ट करना बनता है, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। और चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं, ये बहुत ही शानदार जगह है यार, बड़ी मज़ेदार जगह है।
हिगोंसू, और हमारी बाइक थोड़ी अभी कंटिन्यूस चली है काफ़ी टाइम के लिए, तो थोड़ा रेस्ट करना बनता है। यहाँ पे अभी रेस्ट कर रहे हैं हम लोग, चाय वगैरह कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, पूरे दो घंटे में यहाँ पे पहुँच गए। सो गाइस अभी हम ना चाय पी निकले हो गए यार, और ये देखो जी चाय हमारी, पकौड़े अंशु ने बोली है, अपना बिस्किट, और वो बैठ के भी खा रहा है, और टीवी हम लोग देख रहे हैं। तो चलो अभी नाश्ता करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। मज़ेदार चाय, चलो आ गया सफर आपको दिखाते हैं। सो गाइस अभी हम चल पड़े हैं चिंतपूर्णी से आगे की तरफ, और मज़ेदार सफर में आप सबका फिर से स्वागत है। चलो चलते हैं, हम भी अब चार्ज हो गए हैं चाय वाय पी के, और आपको भी चार्ज करते हैं वादियां दिखा के। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे का रास्ता जो आने वाला है वो और भी मज़ेदार है। अभी रास्ते में आएगा कांगड़ा, कांगड़ा से आगे बढ़ेंगे तो धर्मशाला, धर्मशाला से फिर मैक्लोडगढ़, कम से कम 2-2.5 घंटे का रास्ता अभी और है। चलो चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। सो गाइस अभी हम आ गए हैं खतरनाक से व्यू पॉइंट पे, ये देखो जी ये व्यू पॉइंट, ओ माय गॉड। तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये दिखाना चाहिए, तो ये देखो जी आप देखो यार नज़ारा, और ये वाला रेस्टोरेंट्स कितनी अच्छी जगह बनाया हुआ है, और कितने मतलब कि व्यू पॉइंट पे बनाया हुआ है कि लोग यहाँ पे खाते खाते यहाँ का व्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला व्यू देख के ना मेरे से रहा नहीं गया, तो ना अभी आपने बाइक रोकी और आपके लिए व्यू मैंने सोचा कि एक बार बना दूँ, तो क्योंकि ये पूरा हिमाचल ही वैसा है, पर ये था कि यहाँ से ओपन एरिया था, यहाँ से पूरी ना व्यू कवर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा आपको दिखाया जाए। तो आगे आने वाला टाइम भी ऐसा ही है, और आने वाला रास्ता भी इस तरह के व्यू से भरा है, और देखो कितनी हरियाली है यार, नेचर है, दिस इज़ कॉल्ड ना नेचर, कितना प्यारा व्यू यार, नेचुरल चीज़ें बहुत ही प्यारी होती हैं। तो चलो आगे का व्यू दिखाते हैं आपको इस तरह की अच्छी अच्छी लोकेशंस के साथ। गाइस अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ब्यास रिवर का ब्रिज, और ये देखो जी ब्यास रिवर का ब्रिज दिखा रहा हूं आपको, और पानी लेवल देख सकते हो आप कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है ब्यास रिवर का, बहुत ज़्यादा पानी, ये पहाड़ों के बीच में से ब्यास नदी गुजरती हुई, पानी लेवल कितना है भाई, ये देखो जी वाटर लेवल आपको दिखाता हूँ मैं, देखो जी वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा पानी है बाबा, पोंग डैम जो पानी रुका हुआ वो है। इसमें आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो जी ये हमें बर्फ के पहाड़ नजर आ गए, ये देखो जी, और इधर रेनबो भी निकला हुआ है भाई साहब, ऐसा नज़ारा बहुत ही कम नज़र आता है। वो देखो जो वो पहाड़ कितने छोटे लग रहे हैं, और उसके पीछे ये वाले पहाड़ कितने ऊँचे, वाह बहुत ही मज़ेदार व्यू। सो गाइस जैसे ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं ठंड पड़ रही है, और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, तो हम थोड़े जंगल वाले रास्ते में हैं, कांगड़ा के नज़दीक हैं। तो ये देखो जी पूरा जंगल का व्यू बहुत ही लाजवाब है। देखो जी व्यू पहाड़ों का, ये असली व्यू आया है अभी निकल के, ये तो भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ और लाजवाब व्यू, ये ग्रेट यार ग्रेट, देखो कितने सारे पहाड़, मतलब ये नॉर्मल जो पहाड़ है उनको तो कुछ भी नहीं इसके सामने, और ये मेन धौलीधार पहाड़ है, मेन बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है गाइस। तो गाइस ये देखो जी खतरनाक, और ये पेड़ वगैरह आप देख सकते हो भाई, और इधर का व्यू देखो भाई कितनी खतरनाक जगह से जा रहे हैं भाई साहब, ये 4 लेन बन रहा है और हाईवे का कंस्ट्रक्शन इधर चल रहा है, तो आप देख सकते हो, देखो जी ऊपर ना PRTC की बस है और नीचे से ये रास्ते हैं, बहुत ही खतरनाक व्यू भाई, भाई साहब बैंड बज रही है, और देखो जी ट्रक वगैरह कैसे दब दब के निकल गए। तो और ये वाला व्यू देखो जी, ये जंगल का रास्ता, और जंगल देखो पेड़ देखो भाई कितने बढ़िया बढ़िया ये पेड़ हैं, ऊँचे ऊँचे पेड़, और ये वाला व्यू देखो आप यार, मतलब रास्ता इतना ही मतलब खतरनाक सा बनाया हुआ है ना, मैं क्या ही बोलूँ। और अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, पहुँचने वाले हैं बहुत जल्दी, तो आपको दिखाते हैं पहुँच के जल्दी जल्दी। हम प्यार करने वाले हैं कोई नहीं।
बन जाएगी ना तो टाइम कम लगेगा इस साइड, उधर बन गई है, इस साइड अभी जोड़ी नहीं है। गाइस अभी आपको हम दिखाने वाले हैं एक टनल, जो टनल आई है तो ये पीछे देख सकते हो, ये भाई साफ टनल कितनी प्यारी। और मैं दिंदा, जैसे मैंने टनल देखी और मैं रुक गया भाई, वीडियो तो बनानी बनानी है। चलो चलते हैं और टनल में से गुजरते हैं और आपको यहाँ का दिखाते हैं भाई कैसा व्यू है। और ये देखो जी, जंगलों के बीच में एक टनल और गाड़ियाँ इतनी आ रही हैं और डर भी लग रहा है भाई रुक के ऐसी जगह पे। चलो चलते हैं और आपको अंदर जाके इस टनल से गुजर के दिखा। हम टनल के बीच में से निकल रहे हैं, ये देखो जी, वाह क्या व्यू है, ये देखो, लाजवाब, पानी गिर रहा है ऊपर से, अरे टप टप पानी गिर रहा है इस टनल में से और बहुत ही लाजवाब टनल है ये। अरे अरे पानी पानी की बूंदें निकल रही हैं इस टनल में से, इस टनल में से पानी की बूंदें निकल रही थी और टप टप भाई, ये मतलब खतरनाक ही टनल थी, कुछ अलग लेवल की टनल थी। तो ये देखो जी रास्ते भी टूटे हुए हैं तो अभी इसमें से निकलते हैं और ये हम पार हो गए। सो गाइस व्यू एंजॉय करें, पहाड़ों का मजेदार व्यू, ओए होए क्या हो गया, ट्रक वाला हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है। सो गाइस हम आ गए हैं कांगड़ा, तो कांगड़ा पहुंच गए हैं, आप देख सकते हो कांगड़ा का व्यू तो बहुत ही मज़ेदार है और रास्ते बड़े ही घुमावदार है। तो शाम हो गई है और कांगड़ा फोर्ट, वो देखो जी वो है कांगड़ा फोर्ट, वहाँ पे अभी हम जाएंगे और सामने पहाड़ का व्यू देख लो रे, ओए होए 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 लाजवाब व्यू। अभी मुझे पता नहीं लग रहा था कि भाई यहाँ पे ऐसे नज़ारे भी हैं, वो देखो जी एक्चुअल में कहाँ पे आ गए हम लोग, जन्नत में, और ये जन्नत वाली जगह आ गए हम लोग भाई साहब। अभी हम जा रहे हैं कि कांगड़ा फोर्ट, तो जिन्होंने नहीं देखा है कांगड़ा फोर्ट वो आपको दिखाएंगे और उनको माता जी आ गए हैं अभी। तो चलो जी आपको ये ब्रिज क्रॉस करते हैं और आगे आप व्यू दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत रेयर लोग गए हैं यहाँ पे, बहुत कम लोग गए हुए हैं तो आपको वही वाली जगह दिखाएंगे। ये देखो जी पत्थर देखो, ओए 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 ऐसा नज़ारा तो भाई मैंने कभी नहीं देखा। तो ये देखो जी चढ़ाई देखो, ओए ओए एकदम स्टीप है और वहाँ से देखो, वहाँ से आए हम अभी, ठीक है ये देखो जी, ओए ओए ये देखो जी ऊंचाई देखो, कैच करो, ओए कौन से गियर पे आई है, दूसरे पे चढ़ रही है, दूसरे पे चढ़ रही है पूरी, देखो जी बहुत ज़्यादा ही ऊंचाई है, ऊंची सी देखो, क्योंकि हम आगरा फोर्ट पे जा रहे हैं ना, पानी देखिए फ्रेश वाटर, पानी वाटर एकदम फ्रेश वाटर है। कुदरत के नज़ारों में हम लोग घूमते हैं ना, ये हम ही जानते हैं कि हमें कितना मजा है। और ये रोड देखो जी, ये रोड भी टूटा हुआ है तो भाई साहब बहुत रिस्की रास्ते हैं ये वाले जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, तो चलते हैं चलते आपको भी दिखा रहे हैं। और ज़्यादा ही ऊँचाई है ना, ये कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई है और आराम से चलो भाई, बहुत पतला सा रास्ता है और ऊंचा, बहुत ऊंचा है, ऊँचा ऊंचाई पे जाना पड़ रहा है हमें। सो गाइस अभी हम ना कांगड़ा फोर्ट जाने वाले थे, ये देखो जी, पर इसका ये अभी बंद हो चुका है और इसका जो टाइमिंग है वो है सुबह 6 बजे से लेके नहीं 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। तो कल आएंगे और जाएंगे और ये देखिए टिकट घर हम देख सकते हो, और कल देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर आएंगे और इस फोर्ट में हम घूमेंगे भाई साहब, बहुत सही व्यू था यहाँ का अगर देख पाते तो। चलो टाइम भी वैसे हमारे पास कम है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम चलेंगे अभी पहले धर्मशाला से मैक्लोडगंज। सो गाइस चलो यहाँ पे हम रुके थे पुल के ऊपर, मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ यार, ये देखो जी व्यू एक्चुअली ये कैसा है, ये है ब्रिज, ब्रिज के ऊपर जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, और क्या है छोटा सा वो देखो जी झरने यहाँ पे यार, वाटरफॉल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, छोटे छोटे वाटरफॉल और पानी देखो एकदम ग्रीन, ओ देखो जी वाह यार लाजवाब लाजवाब व्यू। आप लोगों को लग ही रहा होगा कि हम लोग कहाँ पे आ गए, जन्नत में ही आ गए ना भाई, ये सच में जन्नत ही है और कुछ नहीं, मैं मेरे को तो जन्नत लग रही है भाई, लोग यहाँ पे जो रहते हैं ना जन्नत में रहते हैं, ओ क्या व्यू है भाई क्या व्यू है वाह। सो गाइज फाइनली हम रूम पे पहुँच गए हैं और एक्चुअली रास्ते में मैं नहीं बना पाया वीडियो बिकॉज यार तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब हो गई थी, तो उस चक्कर में, और रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब था
और रात हो चुकी थी तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो ये वीडियो थी हमारी जलंधर से लेके मैक्लोडगंज तक के रास्ते की, और होप करता हूँ आपको पसंद लगी होगी। पसंद लगी है तो क्या करना है आपने, लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट वीडियो आपको मैक्लोडगंज की मिलेगी और फुल व्यू फुल मजे वीडियो में मिलेगा। तो बने रहे वीडियो के साथ, पार्टी के सबक है, सत श्री अकाल दोस्तों।